हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग इन इजी वे। आज की ये वीडियो मैंने अपने प्लूमेरिया फ्लावर के प्लांट पर बनाई है। जैसे कि वीडियो में ये प्लांट आपको दिखाई ही दे रहा है, तो आज की वीडियो में मैंने कुछ एक बातें आपके साथ शेयर करनी है जो कि इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये एक काफ़ी फर्म रूटेड प्लांट है, सो इस प्लांट को हमेशा बड़े पॉट में लगाया जाता है। इसको कभी भी आप छोटे पॉट में मत लगाएं, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से पॉट में फैलती हैं और ये रूट बाउंड भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए आपको इसको रीपॉट करना है और इसकी मिट्टी को भी बदलना है। जब इसकी जड़ें मिट्टी की ऊपरी सतह पर आ जाएं, तभी इस प्लांट को आपने रीपॉट करना है। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है कि इस प्लांट पे अगर अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो उसके लिए इस प्लांट में आपको अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र ऐड करना है, क्योंकि ये प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट है। तो हर 6 दिन के बाद इस प्लांट में आपको जो वेजिटेबल पील्स होती हैं उसका मिक्सचर पानी में ऐड करके देना है। सो इससे इस प्लांट को फ्लावर प्रोड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप इसमें फ्रेश बनाना पील्स दबाते हैं तो उससे भी इस प्लांट को पोटाशियम की मात्रा भरपूर मिलेगी, क्योंकि पोटाशियम प्लांट में फ्लावरिंग के लिए काफ़ी हेल्प करता है। आप बनाना पील को एक डाइल्यूट मिक्सचर फॉर्म में पानी में मिलाकर भी इस प्लांट को दे सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इस प्लांट पे बर्ड्स तो आ जाते हैं, पर वो बर्ड्स डिफॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, या फिर वो बर्ड्स जल्दी गिर जाते हैं, या फिर ब्राउन कलर के होने शुरू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको प्लांट को 1 महीने के बाद में वर्मी कंपोस्ट ऐड करनी है और इस प्लांट को आपने धूप में रखना है, क्योंकि ये प्लांट धूप को बहुत पसंद करता है। तो ये कुछ एक बातें हैं जो आपने इस प्लांट को प्लांट के लिए करनी है। आई होप कि आपको मेरी ये जो बताए हुए टिप्स ज़रूर हेल्पफुल लगेंगे। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।